गाइस, आज हम लोग फ्लाइट के गेट नंबर 2 पे हैं। बेसिकली ये जो गेट है आपका दुगन की तरफ ओपन है, और एक और गेट है फ्लाइट, 2 मेन गेट है, एक जो है कलंगवाल की तरफ है और ये दुगन वाली गेट है। इधर से बेसिकली एग्जिट होता है और उधर से एंट्री होते हैं ज़्यादातर टाइम्स, और बच्चे जो हॉस्टल में होते हैं वो लंगवाल की तरफ ज़्यादातर टाइम जाते हैं। अगर आप संगरूर जाएंगे तो इस रास्ते से ही जाएंगे गुजर कर, तो ये दूसरा नंबर गेट है। और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे भी आके दर्शन कर सकते हैं। बहुत बार जब पूजा होता है यहाँ पे तो लोग आते हैं, भंडारा जब चलता है तो दर्शन करते हैं, भोजन पाते हैं और फिर चले जाते हैं बच्चे लोग। तो ये आपका दुगन वाला गेट है संत लंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और बाहर में कुछ ऐसा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से सजाया गया है इस गेट को, देख पा रहे होंगे आप। अभी हम लोग चलेंगे अंदर, और ये वाले जो रास्ते हैं आपको एक देख सकते हैं आउटर डायमीटर वाले रास्ते हैं जो कि बाहर से कॉलेज की गुजरती है, और ये अंदर से इसकी बाउंड्रीज है। तो इधर ये गेट काफी अच्छे से सजाया गया है, और जब आप इस गेट से एंटर करेंगे तब आप कॉलेज में आते हैं, और ये वाले जो है रास्ते एक्सटर्नल रास्ते हैं, तो इधर हम लोग को जाना होता नहीं है, बच्चे लोग को सिर्फ इस गेट के अंदर ही जाना है, इधर ही सारी चीज़ें कॉलेज की। तो चलते हैं अंदर में, और आगे में बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ लिखा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, जैसे एकेडमिक सेक्शन, हॉस्टल, सारी चीज़ के बारे में लिखा गया है। इधर में आपको देख सकते हैं सलाइट का एपरी एंड हनी प्रोसेसिंग यूनिट का भी लगा हुआ है। इधर में आप जाएंगे अंदर में आपको देखने को मिलेगा मध पालन, तो आपको यहाँ पर बोर्ड मिलेगा डायरेक्टर ऑफिस राइट साइड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रेसिडेंशियल एरिया हॉस्टल्स डायरेक्टर रेसिडेंस सेंट्रल लाइब्रेरी स्टेट ऑफिस गेस्ट हाउस एकेडमिक एरिया ऑडिटोरियम सारे के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर में आपको NCC का बोर्ड लगा हुआ है, यूनिट 14 पंजाब BN NCC नाभा। और आगे से आपको यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे, लेफ्ट वाले रास्ते अगर आप लेते हैं तो डायरेक्ट जाएंगे आप मार्केट एरियाज, मतलब जो इधर मेन रोड पे गुजरते हुए डायरेक्टर हाउस गर्ल्स हॉस्टल सारे इसी में पड़ते हैं, बस स्टॉप भी आगे इसी में पड़ेंगे। और राइट साइड लेंगे तो इधर में आपको काफ़ी सारे हॉस्टल देखने को मिलेंगे, और इधर में आपको जाने पे फिर ऑडिटोरियम ये सारे चीज़ मिल पाएंगे। इधर में लेक भी आपको और मेडिसिन वाले तो हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि नॉर्मल आपको फीवर सर्दी खांसी जुकाम चोट ये सब चीज़ जो होते हैं उन सारे की दवा तो आपको हर टाइम ऑल टाइम मिल जाएंगे लगभग यहाँ पे। और डॉक्टर सिर्फ दिन में देखने को मिलते हैं, रात को यहाँ पे आपको डॉक्टर अगर मान लीजिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आ गया फिर डॉक्टर भी आ जाएंगे, यहीं डॉक्टर रहते हैं तो उनको भी शायद जाने को यहीं मिलता है। और ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से अगर राइट लेते हैं तो आपको ऑडिटोरियम्स स्टेट ऑफिस और एकेडमिक एरिया जाने को इधर मिलेगा राइट लेने पर, वो भी हम लोग दिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, और जस्ट उसके पीछे आपको हेल्थ सेंटर काफ़ी बड़ा, और पीछे में 2 एम्बुलेंस भी आपको दिख रहे होंगे। ये 2 एम्बुलेंस है, एक ओमनी में एक बड़ा वाला एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से आपको शिफ्ट किया जाता है अगर कोई ये प्रॉब्लम आपको आती है तो। ये है सलाइट का हेल्थ सेंटर, प्लस का साइन आपको देखने को मिल रहा होगा, प्लस आप समझ ही जा रहे हैं ये हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल के लिए डाला जाता है। और इधर में आपको हेल्थ सेंटर लिखा हुआ मिलेगा, काफ़ी बड़ा ये भी हेल्थ सेंटर यहाँ का आपका। और इधर में अंदर में जाएंगे तो आपको मेडिसिन का और ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगे, उतना ज़्यादा अंदर हम लोग जाएंगे नहीं, यहाँ पे आपके अपना चेकअप करा सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग मार्केट वाला एरिया में चलेंगे, अभी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलेंगे, ऐसे वाले फुटपाथ में मिलेंगे आपको, रोड पर चलने की आपको आवश्यकता नहीं, उधर रोड पर गाड़ी चलेगी और आप इस फुटपाथ पर आराम से चल सकते हैं मस्त, कोई एक्सीडेंट का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक भी देखने को मिलेंगे, मतलब इस कॉलेज के अंदर में एक बैंक भी है सेंट्रल बैंक, ATM भी है काफ़ी सारे, 2-3 ATM है यहाँ पे कॉलेज में। एक तो आपको सेंट्रल बैंक जस्ट पीछे एक ATM है, एक 3 नंबर पे ATM है और 4 नंबर पे ATM फिलहाल, लेकिन वो दोनों अभी ATM काम नहीं कर रहे हैं, एक ATM हटा दिया गया लगभग 4 नंबर वाला, तो अभी 2 ATM है जिसमें से एक वर्किंग है अभी। और इसके जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे ये आपका केंद्रीय विद्यालय है, हाँ
खाने पीने के लिए काफ़ी सारे शॉप्स हैं यहाँ से, दोनों तरफ है। यहाँ से लेफ्ट साइड में भी है आपको मिलेंगे, राइट साइड में मिलेंगे। अभी हम लोग फिलहाल चलेंगे लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड, और इधर मैं आपको सेंट्रल बैंक का दिख रहा होगा। सेंट्रल बैंक है यही जो आपका बैंक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स देखेंगे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं, मतलब जब आपका बर्थडे हो या फिर जब भी आपको एंजॉय करना हो थोड़ा सा, आप यहाँ आके अच्छा खासा पार्टी, खाना पीना जो भी है सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। बट ये स्लाइड है, नाम ही संत लंगवाल है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेज मिलेंगे, नॉन वेज का कोई सीन नहीं अंदर में। नॉन वेज के तौर पर सिर्फ आपको यहाँ पे अंडे मिलेंगे, एक उसके अलावा कुछ नहीं, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ये वेज वाले आपको ऑप्शन है यहाँ पे कॉलेज में, और उधर में आपको बस स्टैंड भी देखने को मिल पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, मंदिर भी है यहाँ पे। पहले यहाँ पे चेक और डाक पोस्ट भी था, मतलब पोस्ट ऑफिस, अभी फिलहाल वो टेम्प्रोली बंद है। और ये इधर में आपका बैंक, सेंट्रल बैंक, उसके बगल में जो आपको दिख रहा है वहाँ पे फोर्टिस स्टेट्स की शॉप्स है, और उसके सामने जो आपको दिख रहा है पोस्ट बैंक, ये बेसिकली डाक पोस्ट है लेकिन ये भी बंद है फिलहाल। और ये जो दिख रहा है आपको, ये स्लाइड का कैंटीन मतलब रेस्टोरेंट, गुरमीत अफेयर्स, और इधर में आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारे शॉप्स यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं जो भी आपका नीड है वहाँ से। यहाँ शनिदेव महाराज की मंदिर, इधर में काफ़ी सारे शॉप्स हैं, जैसे ये आपका जनरल स्टोर्स, उसके बाद केक वोक आप यहाँ से आप ले सकते हैं जब भी आपका बर्थडे उर्डे होता है बेकरी वाल। इधर में आपको मिलेंगे सलाइट फोटो स्टेट, फिर टेलर की शॉप, यहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े सिला सकते हैं, और इधर में जनरल गिफ्ट और सारे स्टोर्स आपको देखने में। इधर में स्टेशनरी है लास्ट में, और ये शिव मंदिर, सलाइट की मंदिर, पूरे सलाइट में आपको एक ही मंदिर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सैक देखने को मिलेगा जो कि स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं कल्चरल फेस्ट के, यहाँ पे प्रैक्टिस वैक्टिस सारे यहीं पे होते हैं। और उसके नीचे में आपको जिम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे खेलने के लिए आपको स्क्वाश, टेबल टेनिस, चेस, कैरम बोर्ड, जो भी इंडोर गेम्स होते हैं सारे यहाँ पे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, चलिए। ये आपका बस स्टॉप है, बस स्टॉप, यहाँ से आप बस पकड़ के संगरूर जा सकते हैं, संगरूर रेलवे स्टेशन से आप कहीं भी जा सकते हैं। इधर में जब आते हैं तो आपको यहाँ पे स्नैक देखने को मिलेगा, और उसके पीछे साइड्स में काफ़ी सारे स्टोर हैं, छोटे छोटे कॉर्नर्स, जिसमें आपको लाइक जूस, पराठे, साउथ इंडियन फूड्स, केक, ये सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, लस्सी, बादाम शेक, ये सारी चीज़ मिलते हैं यहाँ। तो अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे टेक फेस्ट का लगा हुआ है बैनर, फिलहाल टेक फेस्ट हुआ था थोड़ा दिन पहले, और ये कुछ हमारे देश के सर्वोच्च खिलाड़ी का फोटो लगा हुआ है, मतलब बना हुआ है, फ्लाइंग सिख, पीटी उषा, ध्यानचंद, मैरी कॉम, और यही है आपका स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। सारे एक्टिविटी यहीं पे होते हैं बच्चे की, मतलब यहाँ आपको नीचे में दो तीन है जो जिम देखने को मिल जाएंगे, जिम वाले आइटम्स हैं जहाँ पे लोग जिम करते हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स वाले कोटा मतलब खेलने को मिल जाएंगे, और इसके पीछे साइड्स में शॉप्स हैं काफ़ी सारे, और इधर में आपको कॉर्नर सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोबाइल के एक शॉप है मनी मोबाइल, और दिखाते उधर में आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये सारी चीज़ भी यहाँ मिलते हैं, छोटे छोटे शॉप हैं यहाँ पे काफ़ी बार, सब चीज़ मिल जाएंगे आपको। और इधर में आपको सलाइट की कैंटीन, यहाँ पराठे वराठे आपको लस्सी मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ मिलेंगे। उधर में जूस कॉर्नर है, और इधर साउथ इंडियन का है, और सबसे लास्ट कॉर्नर जो आपको दिख रहा है वहाँ पे एक मिलता है, तो ये वेज कॉलेज है, तो यहाँ पे सिर्फ अंडे मिलेंगे आपको और कुछ नहीं मिलेंगे जैसा कि आपको बता रखे। और एक ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आई लव स्लाइट, जो कि रात में काफ़ी खूबसूरत लगती है, और यहाँ पे आपको आकर फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे यहीं से फ़ोटो यहाँ पे लेते हैं, और उसके पीछे भी काफ़ी अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और ग्रीनरी तो चारों तरफ है, और ऐसे वाले रास्ते आपको काफ़ी दिन में धूप हो जाता है, तो इन रास्ते से आप एकेडमिक जा सकते हैं, हॉस्टल जा सकते हैं, यहाँ पे आपको कम धूप लगेगी। इन चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इन सारी चीज़ों को, बच्चे का भी ध्यान रखा गया है, तो यहाँ से आप इजली जा सकते हैं ठंडे में जब ज़्यादा धूप होता है। तो लाइट की इको सिस्टम में आपको एक ये भी देखने को मिल जाएंगे, नीलगाय, यहाँ पे काफ़ी सारे नीलगाय पाए जाते हैं। अगर आप इधर से लेफ्ट लेते हैं तो आपको इधर में गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेंगे, और साथ में ट्रांजिट, जहाँ पे आपका अगर पेरेंट्स आते हैं तो उनको रहने के लिए मिल जाएगी व्यवस्था। पहले उसका ट्रांजिट का चार्जेस था 400, अभी शायद उसको बढ़ाकर 500 किया गया है, कंफर्म नहीं है, बट 400 पहले लगता था। और यहाँ पर आपको नीलगाय देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे ऐसे हैं यहाँ पर प्रजाति नीलगाय की।
इधर लेफ्ट लेंगे, एक और बस स्टॉपेज, आपको दो बस स्टॉपेज, उसके उधर गर्ल्स हॉस्टल और ट्रांजिट देखने को मिलेंगे, फैकल्टी की मतलब कॉलोनी है फैकल्टी लोगों के लिए। इधर हम लोग अभी राइट जाएंगे तो इधर में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेंगे और वहाँ पे बच्चों को बैठ कर पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए बनाए गए कुछ, और कुछ थीम बनाए गए हैं स्लाइड जहाँ आप फोटो सेशन करा सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा जहाँ पे आप दिन भर रात भर जितना चाहे उतना स्टडी कर सकते हैं, मस्त आइए। यहाँ पे आपको कंप्यूटर वाले लाइब्रेरी भी है जहाँ पे आपको जाना है कंप्यूटर, वहाँ पे पहले से रखा गया, वहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी वाईफाई मिलेगा उसका डालकर। ये आपका सेंट्रल लाइब्रेरी स्लाइड की, ये यहाँ पे आप आके रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, 24/7 ओपन रहता है। और ये कुछ थीम्स हैं यहाँ पे, और एक इधर नया शॉप बन रहा है, जो भी फोटो सेशन होते हैं यहीं पे होते हैं स्लाइड के, और यहाँ पे जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनका यहाँ पे फोटो लगता है। यहाँ पे लोग बैठकर स्टडी करते हैं, आप भी कर सकते हैं शाम को, यहाँ और भी काफी इंटरेस्टिंग सीन होते हैं। और यहाँ से आपको पता प्लेसमेंट का पूरा आइडिया लग जाएगा, देख रहे हैं कि हाईएस्ट पैकेज जो पिछला वर्ग था वो 18 लाख पर एनम का था, और साथ में 110 कंपनी प्लस विजिट की थी, मीडियम पैकेज जो था 4.1 लाख का था, और ये कुछ सीनियर्स जिनका प्लेसमेंट पिछले बार हुआ था, जैसे इसमें कंपनी दिख रहा होगा आपको कूपा, द स्केलर्स, ओमेंस कॉर्निंग, एलएनटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी सारे कंपनी थे। 562 स्टूडेंट थे जिसमें से 486 इंटरेस्टेड थे, एलिजिबल थे, और 350 प्लस का प्लेसमेंट हो गया था, तो आपको प्लेसमेंट का स्टेटिक्स भी यहाँ से पता लग रहा होगा। और ये कुछ कल्चरल फेस्ट और टेक्निकल फेस्ट का जो फोटोज होते हैं यहाँ पे कुछ लगते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे अपना फोटो सेशन करा सकते हैं स्लाइड में। ये डायरेक्टर हाउस है बेसिकली, और उसके बगल में जस्ट गेस्ट हाउस है, जो भी गेस्ट आते हैं बाहर से वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और पेरेंट्स के लिए जैसा कि आपको बता रखा हूँ मैंने, ट्रांजिट है वहाँ पे, आप अपने पेरेंट्स के लिए स्टे करा सकते हैं। और इधर आगे जाएंगे तो आपको डायरेक्टर हाउस मिलेंगे, और उसके उधर आपको गर्ल्स हॉस्टल भी देखने को मिलेंगे। आपका एकेडमिक सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है,